हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 15 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है जिसमें आप डायरी एंट्री के बारे में सीखोगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायरी एंट्री होती क्या है। देखिए, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके साथ अगर कोई भी आपका कोई दुख है, आपको कोई स्ट्रेस है, आप किसी चिंता में हो या आप खुश बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो हम अपनी बातें किसके साथ शेयर करते हैं? हम अपनी बातें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो जो ये डायरी होती है ये भी हमारी बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह है कि जो भी हमारी इमोशंस हैं, हमारी पर्सनल जो आप कह सकते हो पर्सनल बातें हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो सब कुछ हम डायरी में एंट्री करके रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक आप कह सकते हो मेमोरीज़ होती हैं। सो आज की जो वीडियो है उसी जो है डायरी एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है फॉर्मेट, डायरी एंट्री कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट कॉर्नर में डे और डेट आपको मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आप टाइम लिख सकते हो। टाइम लिखना डायरी में ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप टाइम जो है मेंशन करो ही। उसके बाद देखिए, सैल्यूटेशन दिया जाता है, डियर डायरी या हेलो डायरी इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद जो भी कंटेंट होता है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है और लास्ट में नेम ऑफ द राइटर लिखा जाता है। अगर हम कंटेंट की बात करें तो डायरी के अंदर जो कंटेंट इंक्लूड करना होता है वो कंटेंट हमारा कुछ इनोवेटिव कह सकते हो, इंटरेस्टिंग कह सकते हो, क्रिएटिव कह सकते हो, कुछ इस तरह का कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी डायरी जो है वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अपने हमारे जो पर्सनल आप कह सकते हो कि हम जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं उसमें थोड़ा सा हम एक्साइटमेंट, हम क्रिएटिविटी उसके अंदर ला के एंट्री कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग। यानी इसके अंदर बेटा ये कोई ऑफिस का लेटर नहीं है कि इसके अंदर हमें बिल्कुल एकदम फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, ये हमारा एक इनफॉर्मल आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम अपनी पर्सनल, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ए डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, सीन हो सकता है कोई, डिस्क्रिप्शन ऑफ नरेशन ऑफ सर्टेन इवेंट, किसी इवेंट को एक्सप्लेन करना है, और एनी अदर एक्टिविटी दैट द राइटर कंसिडर वर्थ राइटिंग इन हर्स और हर पर्सनल डायरी। ए डायरी डज नॉट नीड एनी फॉर्मल हैडिंग, इसमें हम कोई पर्टिकुलर ऐसा हैडिंग डाल के डायरी नहीं लिखते। द स्टाइल एंड टोन इज जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल, तो इसकी जो टोन होती है, स्टाइल होता है वो इनफॉर्मल होता है, पर्सनल होता है। हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, ये भी डिपेंड करता है कि डायरी का सब्जेक्ट क्या है। Sometime the tone can be philosophical and reflective too. You can freely express your viewpoints and feelings. तो कुछ philosophical way में भी हम अपने जो expressions हैं वो हम इसमें लिख सकते हैं। यानी totally जिस तरह से हम freely अपने friends के साथ अपनी बातें share कर सकते हैं without any formality, diary के अंदर भी हम अपने experiences वो जो है शेयर कर सकते हैं डायरी के साथ विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर आप डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड कहोगे। नाउ आगे देखिए क्या दिया गया है, टू प्रैक्टिस लेट अस रीड एंड रिकॉग्नाइज दिस डायरी एंट्री रिटन बाय मनोज। तो ये डायरी एंट्री की गई है मनोज के द्वारा। ठीक है, अब मनोज ने ये डायरी एंट्री जो की है इसमें उसने जो है फॉर्मेट का ध्यान नहीं रखा। देखिए कैसे नहीं रखा, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही डियर डायरी लिख दिया, डे और डेट सबसे नीचे हैं तो ये फॉर्मेट ही गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने जो डायरी एंट्री की है वो कुछ इस तरह से की है कि जो वो लिखना चाह रहा है वो आगे पीछे हो गया है। यानी वो जो सेंटेंसेस हैं वो जंबल्ड हो गए हैं, जो पहले आना चाहिए था वो बाद में लिख दिया, जो बाद में आना चाहिए था वो पहले लिख दिया। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, मनोज की जो ये डायरी एंट्री है इसको ठीक करना है। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, However, my parents had to stay in Delhi for work. As luck would have it, my father tested positive for COVID-19. Though he recovered, but he still has weakness. तो यहाँ मनोज क्या बताने चाह रहे हैं कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो जो है दिल्ली रुक गए काम के लिए, और क्या हुआ, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, कोविड पॉजिटिव हो गए, एंड वो ठीक तो हो गए, रिकवरी कर चुके, बट उनके जो है क्या है, वीकनेस है।
सेकंड क्या बताया गया है, माय समर वेकेशंस आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज हैव रीस्टार्टेड। मेरी छुट्टियां जो हैं गर्मी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और मेरी ऑनलाइन स्टडीज वो रीस्टार्ट होने वाली है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन माय सिस्टर एंड आई लेफ्ट फॉर आवर विलेज एज कोरोना केसेस हैड इंक्रीज इन दिल्ली। समर वेकेशन के ड्यूरिंग क्या हुआ, मेरी सिस्टर और हम जो है मैं गांव चले गए और क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे थे। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने फ्रेंड्स अपने टीचर्स से ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरिंग मिलने के लिए। सो वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन 30th जून। ऑल द मैनी ऑफ आवर नेबर्स हैव नॉट कम बैक फ्रॉम देयर विलेज येट। सो वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन 30th जून। हम वापस कब आए, 30th जून को, जबकि कुछ मेरे नेबर्स हैं वो अभी तक गाँव से वापस नहीं आए हैं। सी यू टुमारो डायरी। तो यहाँ पर बेटा देखिए, आपने सारा पढ़ा, इसमें आपने देखा कि कोई इसमें जो है आप देख सकते हो कि सेंटेंसेस वो अरेंज फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस को इस तरह से अरेंज फॉर्म में करना है। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे, ठीक है। टाइम ऑप्शनल है, आप मेंशन कर भी सकते हो और नहीं भी। उसके बाद डियर डायरी, उसके बाद कंटेंट को हम जो है अरेंज करेंगे एंड देन लास्ट में हम नेम लिखेंगे। सो आइए इसको अरेंज कर लेते हैं। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने डेट लिखी, डेट क्या है, 15 जुलाई 2021, ओके, थर्सडे 7 PM टाइम लिख दिया। डियर डायरी, उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई सिस्टर एंड आई लेफ्ट फॉर आवर विलेज एज कोरोना केसेज हैड इंक्रीज इन दिल्ली। सबसे पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, ठीक है, और हम नंबर वन नंबर टू डाल के भी नहीं करेंगे। नाउ हाउ एवर माई पेरेंट्स हैड टू स्टे इन दिल्ली फॉर वर्क। हम जो है गर्मी की छुट्टियों में चले गए लेकिन मेरे पेरेंट्स यहीं पर रहे। एज लक वुड हैव इट माई फादर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19, दो ही रिकवर्ड बट ही स्टिल हैज वीकनेस। नाउ वी रिटर्न टू दिल्ली ऑन 30th जून। ऑल दो मैनी ऑफ आवर नेबर्स हैव नॉट कम बैक फ्रॉम देयर विलेजेस येट। अभी तक हमारे जो नेबर्स हैं वो वापस नहीं आए हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, माई समर वेकेशंस आर ओवर एंड ऑनलाइन स्टडीज हैव रीस्टार्टेड। ठीक है, मेरी ऑनलाइन स्टडीज जो है वो क्या है, रीस्टार्ट होने वाली हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। सो मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। सो इस तरह से हमने जो भी वर्ड्स थे बच्चों, जो भी सेंटेंसेस थे, उनको हमने जो जंबल्ड थे उनको हमने एक अरेंज फॉर्म में कर दिया। सो इस तरह से हम डायरी एंट्री का फॉर्मेट करते हैं। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सी यू टुमारो डायरी। एंड लास्ट में हमने नाम लिख दिया, मनोज ने डायरी लिखी थी तो हमने नाम लिख दिया मनोज। तो इस तरह से डायरी एंट्री की जाती है। सो आई होप स्टूडेंट्स, आपको ये जो वर्कशीट है जिसमें हमने डायरी एंट्री के बारे में सीखा, आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आप भी अपना जो एक डायरी एंट्री ज़रूर कीजिए कि आपका जो ये पीरियड है, लॉकडाउन पीरियड है या कोरोना जो आप कह सकते हो कि COVID-19 का ये टाइम रहा है, इसमें आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसके ऊपर आप एक डायरी एंट्री ज़रूर कीजिए और अपनी टीचर से उसको ज़रूर चेक करवाइए, ठीक है। आपकी टीचर भी बहुत खुश होंगे कि आपने अपनी तरफ से एक टॉपिक लेकर उसके ऊपर कोशिश की है, अपने एक्सपीरियंसेस जो है उसको डायरी करने का, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।